सो ही व्हाट्सअप गाइज, कैसे व्हाट्सअप। आज का ये मैच काफ़ी थ्रिलर होने वाला है और गाइज इसमें आपको बटलर के अगेंस्ट कुछ टिप्स भी मिलने वाली है। भाई बहुत लोगों का कमेंट आता है भाई कि बटलर के लिए कुछ अच्छे शॉट्स बताओ, तो भाई मैं आपको 5 एकदम बेहतर शॉट बताऊंगा जो कि भाई बटलर के लिए बहुत ही आई बटलर के अगेंस्ट बहुत ही अच्छा साबित होगा। फिलहाल ये जो लोगो दिख रहा है ना अपोनेंट का, ये वाले लोगो वाले बंदे अक्सर खतरनाक होते हैं। हालांकि चलो यहाँ पे हमने टॉस तो जीत चुके हैं और करेंगे सबसे पहले बैटिंग, ठीक है। तो चलो गाइस बड़े स्कोर की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दो हमारे बेहतरीन बल्लेबाज आ चुके हैं ग्राउंड पे। आई बैटलर को अपोनेंट ने पावर प्ले में ही लेके आया भाई, हालांकि ये सही है लेकिन पावर प्ले में लाना थोड़ा सा रिस्की है। चलो गाइस पहली बॉल और देखो पहला शॉट नोट करो 431, बिल्कुल इसको नोट करो। दूसरा गाइस 494 और गाइस तीसरा शॉट नोट करो 162। हल्का सा इसको लेट खेलना, 162 नंबर का यही शॉट है, ठीक है। और गाइस तीन शॉट हमने बता दिए और चौथा भाई 276, ठीक है 276 और पांचवा गाइस 311, ठीक है। ये जो पांच शॉट है ना भाई, ये आई बैटलर के अगेंस्ट इस्तेमाल करना भाई, बहुत ही इफेक्टिव शॉट है। बस अच्छे से इसको टाइमिंग करना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, बिल्कुल भाई सही हो जाएगा, ठीक है। पांच शॉट हमने बता दिया, हालांकि और भी बहुत सारे शॉट्स हैं जो इसके अगेंस्ट बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। तो भाई इन सारे पांच जो शॉट मैंने बताई है उसका इस्तेमाल करके आई बैटलर को आप अच्छे से खेल सकते हो। चलो गाइस पहले ओवर से तो हमने 16 रन निकाले थे और यहाँ पे दूसरा ओवर अपोनेंट लेके आया था और मिस कर गए हम भाई। थोड़ी सी इसकी बॉल उछाल क्यों ले लिया इतना। चलो गाइस अगली बॉल हम बिल्कुल उसके लाइन में खड़े थे और अच्छे तरीके से डिस्पैच कर दिया छक्के के लिए, काफ़ी शानदार शॉट लगाए। चलो गाइस इस बार थोड़ा सा पीछे आए हम और खेला यहाँ पे 323 और अच्छे तरीके से इसको हमने चौके के लिए भेज दिया। चलो गाइस आखिरी गेंद होने वाली है इस ओवर की और इसको भी भेजा है बाउंड्री के बाहर, 32 रन बना दिया हमने पावर प्ले से। तो चलो गाइस अब आए क्रिस जॉर्डन, काफ़ी बढ़िया वेरिएशन है इनके पास। चलो गाइस बिल्कुल स्लोअर वंस का इस्तेमाल करेगा अपोनेंट और ये शॉट देखो भाई, क्लास भाई, अलग लेवल भाई। इस तरीके के शॉट में भाई अक्सर मेरे में ही देखने को मिलेंगे आपको, हालांकि और लोग भी इस्तेमाल करते होंगे लेकिन मैच के ड्यूरिंग बहुत कम ही देखने को मिलते होंगे आपको। थोड़ी सी जो गैप हमको देखी थी भाई वहाँ से हमने चौका निकाल दिया। हम तो भाई इसी का इंतजार करते हैं कि सामने वाला थोड़ी सी गलती करे और वहाँ से हम एक दो चौका लगा दें, उसके बाद ओवर में तो भाई 15 रन तो हम इजीली बना ही देंगे क्योंकि भाई सिंगल डबल लंबाई इजीली लेते हैं। चलो गाइस यहाँ पे 40 रन हमने स्कोर कर दिए। तो चलो गाइस देखते हैं यहाँ से, अभी भी गाइस बहुत सारे बॉल बचे हुए हैं तो यहाँ पे हम 2 रन लेंगे। काफ़ी बढ़िया तरीके से इस शॉट को खेला और यहाँ पे ऊपर भाई साहब को डायरेक्ट हिट मारने की नज़ा अलग लेवल की थी और हमने इसी बीच आसान तरीके से रन को पूरा कर लिया। चलो गाइस टेलर आए हैं बॉलिंग करने और आसानी से हम इनको खेलेंगे 535 और यहाँ पर मिलेगा 4 रन। 49 रनों पे हम पहुंच चुके हैं, अभी भी भाई हमारे पास 11 गेंदें बची है। ओहो टाइमिंग का मसला हो गया यार, मुझे लगा ये क्लियर कर जाएगी लेकिन नहीं हो पाया भाई वैसे। चलो गाइस यहाँ पे विकेट तो गिर चुका है, अब गाइस मैथ्यूज़ हैं सामने। शॉट बढ़िया है, बहुत ही कड़क शॉट, पूरे तरीके से बैट पे आया जिस वजह से चौका मिल गया। 53 रन बन चुके हैं, अभी 20 ओवर की 3 गेंदें बची है। 112 खेला है, एक बार और जाएगी गैप में लेकिन फील्डर अच्छी फील्डिंग करी है वहाँ पे, एक रन जरूर अपने टीम के लिए बचाएंगे, हालांकि 3 रन हम दौड़ के पूरा कर लेंगे। चलो गाइज यहाँ पे बिल्कुल धीमी गति की गेंद, 308 परफेक्ट कनेक्शन तो नहीं हुई है लेकिन यहाँ पे सिंगल डबल लेंगे क्या। हो डायरेक्ट हिट लग गई आखिरकार, कब से कोशिश कर रहा था बंदा, आखिरकार डायरेक्ट हिट लगी और विकेट भी मिल गया उसको। ये शॉट बढ़िया, इस बार कनेक्शन परफेक्ट, टाइमिंग परफेक्ट और मिल गया 6। चलो गाइज अब आए सेल्स, मैं बता दूं इनकी खास बात है कि इनकी बॉल काफ़ी धीमी आती है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा धीमी आती है। यहाँ पे हम खेलेंगे 112 और मिलेगा बस 2 रन, 2 रन से ज़्यादा मिलने वाला नहीं है बिल्कुल भी नहीं। ओवर थ्रो तो हुआ है थोड़ा सा, क्या तीसरा रन हम पूरा करेंगे, बिल्कुल तीसरा रन कोशिश करे थे लेकिन हमने लिया नहीं। चलो गाइज 72 तो बन चुके हैं, एक बार और खेला है लेकिन टाइमिंग थोड़ी सी चुक गए हम और यहाँ पे गवा बैठे मैथ्यूज का विकेट। तो गाइज चलो गाइज मिल चुका है अपोनेंट को विकेट, अब गाइज आखिरी बॉल होने वाली है, इस पर हम बड़ा हिट करने की कोशिश करेंगे, शायद इस बार हमारी टाइमिंग परफेक्ट हो गई बिल्कुल। और आखिरकार 112 से हमने छक्का लगा के भाई इस मैच को आसान तरीके से, इस इनिंग को बढ़िया स्कोर में तब्दील कर दिया है। 78 रन हमने बनाए हैं, अपोनेंट को बनाने हैं 79 रन, उसको ही मिलेंगे 5 ओवर भाई। ये थ्रिलर मैच होगा, यानी कि अपोनेंट भी बहुत ही बढ़िया खेलने वाला है। चलिए हमने भी शुरुआत करी है बटलर के साथ क्योंकि भाई काफ़ी लोग कहेंगे अपोनेंट भाई पावर प्ले में फास्टर को लेके आए इसलिए तुम रन बना लिए, तो हम भी वहीं लेके जाएंगे। हालांकि पहली बॉल में रहाने की आत्मा इनके अंदर देखी गई भाई, छुपके से देखी गई है, तांत्रिक को मैंने बुलाया था तब जाके पता चला।
चलो गाइस यहाँ पे इस बार कटर बॉल डाली हमने गुड लेंथ पे, शॉट बढ़िया है भाई। हालांकि यहाँ पे ओवर थ्रो होगा तो हमारे फील्डर, अरे उड़ते हैं भाई, इनको एकदम उड़ते रहते हैं, बस बिना मतलब की उड़ते हैं, दिक्कत ये है। 511 सॉरी गाइस खेलने की कोशिश, यहाँ पे ये देखो डाइव, क्या बात है भाई, क्या ही बोले हम इनको, यहाँ पे मिल गए भाई, रन तो बचाए हैं कुछ। चलो गाइस इस बार हमने स्विंग बॉल डाली है, क्या इसके बॉडी पे लगेगी? नहीं भाई, बच गया यार। हालांकि अच्छी डिलीवरी थी भाई, 14 रन दिए थे हमने पहले ओवर में, हालांकि विकेट हमें मिला नहीं। अब आए हैं मैथ्यूज, अपोनेंट ने एक ओवर दी थी पावर प्ले में, फास्टर को हमने दो ओवर दिया है। तो चलो गाइस स्लोअर वन के साथ करेंगे शुरुआत, क्या यहाँ पे हमें विकेट की जो तलाश है वो मिलेगी? हालांकि ये बहुत ही बढ़िया खेलने वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बेहतरीन तरीके से खेला, 222 नंबर का फ्री शॉट और मिल गए 6, पूरे के पूरे आधे दर्जन रन, 20 रन बन चुके हैं एक 7 बॉलों के अंदर, ये बढ़िया। अरे भाई हल्के में नहीं लेना पड़ेगा भाई, 112 जब इसके पास है तो भाई बंदा थोड़ा बहुत तो अच्छा खेलने वाला है जहाँ तक मुझे लगता है। हालांकि आगे देखते हैं, थोड़ा बहुत या बहुत ही अच्छा खेलेगा। स्लोअर वन के साथ शुरुआत की थी, स्लोअर वन फिर से डालेंगे, अपोनेंट फिर से वही शॉट खेलेगा और चौका मिलेगा, 26 रन बन चुके हैं, अभी भी 3 गेंदे बाकी है पावर प्ले की। इस बार हमने डाली है स्विंग बॉल, गुड लेंथ के पैरों के करीब बॉल रखी है, इस बार देखते हैं यहाँ पे क्या बात है भाई, शॉट बढ़िया है ये, शायद 137 या 36 होगी, यहाँ पे मिल गए दोनों फ्री ही शॉट हैं, चौका तो मिल गया। चलो गाइस अभी भी 2 गेंदे बची है पावर प्ले की, 30 रन बना दिया अपोनेंट भाई, 30 रन, ये कनेक्शन अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे मिलेंगे कैच, लेकिन नो बॉल भाई साहब, यहाँ पे नो बॉल कर दी हमने और इसका अपोनेंट फ़ायदा उठाएगा। इस बार हमने स्ट्रेट बॉल डाली है फुल स्पीड में, क्या इस पर अपोनेंट फ्री हीट का फ़ायदा उठाएगा, देखने वाली बात होगी। यहाँ पे पोजीशन बढ़िया, ओ कनेक्शन देखो भाई साहब, तगड़ा हिट करा छक्के के लिए, क्या गेसिंग थी भाई की। चलो इस बार हमने कटर बॉल डाल दी गुड लेंथ पे ताकि अपोनेंट शायद ये वाला बीट कर जाए, लेकिन भाई ये बताओ भाई इसकी रन देखो एक बार, रन की तरफ भाई देखो, ये बढ़िया शॉट खेला लेकिन अच्छी तरीके से टाइमिंग नहीं हुई, 2 रन पूरा करके इस ओवर में भाई साहब इसको, ओह भाई विकेट मिल गया, क्या विकेट मिलना चाहिए यहाँ पे, अगर मिल गई तो भाई बहुत बढ़िया होगा, बिल्कुल मिल गई, वो भी बहुत ही बड़ी विकेट मिली है भाई साहब, 32 रन बना के भाई बैट्समैन गया पवेलियन और हमने भाई पावर प्ले में 40 रन दे दिए हैं अपोनेंट को, अब 18 बॉल में बस 39, यानी कि 40 तो पावर प्ले से बन गए भाई, 39 बनाने हैं अब 3 ओवर में, ये जो कि भाई इजीली बन सकता है। चलो यहाँ पे 2 रन लेगा अपोनेंट मेरे ख्याल से, लेना भी चाहिए 2 रन, बिल्कुल लेना चाहिए और यहाँ पे ले भी लिया है। चलो गाइज आराम से 2-2 रन भी खेल लें और गलत गेंद का इंतजार करें वहाँ पे बड़े हिट लगा के, तो आसानी से एकदम मैच जीत सकता है अगर स्ट्रैटजी अपना के खेले तब। चलो गाइज यहाँ पे कैरम बॉल और बढ़िया शॉट है, ये फ्री शॉट है, बढ़िया तरीके से खेला है, लेकिन यहाँ पे 2 रन मिलेगा, क्या डायरेक्ट हिट लग जाए भाई, नहीं लगेगा भाई, यहाँ पे रन पूरा हो गया। चलो गाइज यहाँ पे 3 गेंदे बची है और तीसरे ओवर में राधा कृष्णन, हालांकि ये पावर प्ले के बाद कम दिखते हैं बॉलिंग करते हुए, इस बार मिस कर गया अपोनेंट, बढ़िया है भाई ऐसे ही मिस करते रहो, फिर ओवर हम निकाल लेंगे। रिसेप्शन आए हैं अब हमारे तरफ से गेंदबाजी करने, 15.5 की रिक्वायर्ड रन रेट है अपोनेंट को चाहिए, ठीक है। स्लीपर डालेंगे पहली बॉल पैरों के करीब ताकि LBW हो जाए, लेकिन ये बंदा होने वाला कहाँ है, लेकिन कैच आउट हो गया, 231 खेलने की कोशिश लेकिन कैच आउट हो गया भाई। एक बात भाई गेस करना यार कितना मुश्किल होता है ना, हर एक शॉट के नंबर को याद करना कमेंट्री करने में भाई साहब, कितना डिफ़िकल्ट काम है ना ये, मैं क्या ही बताऊँ, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मिलेंगे सिंगल, बिल्कुल दूसरे बॉल पे सिंगल आई है, रिसेप्शन ने अब तक भाई अच्छी बॉल डाली है, ठीक है, लेकिन अभी भी 4 गेंदे कुछ भी करा सकती है भाई। स्लीपर डालेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पोजीशन तो ढंग की कर ली है और शॉट भी ढंग का खेल दिया है, क्योंकि पोजीशन अच्छी थी तो शॉट भाई टाइमिंग नहीं हुई, फिर भी गैप में गई और चौका मिल गया भाई। 8 बॉलों में 26 रन चाहिए और 2 गेंदे बची है, यहाँ पे कम से कम 10 रन बना देगा ना तो भाई इजिली मैच जीत जाएगा ये। चलो देखते हैं, ये बढ़िया हिट तो करी थी लेकिन टाइमिंग ही नहीं हो पाई और हमारे फील्डर गुलाटी मारेंगे, जबकि पीछे बैकअप के लिए फील्डर है, तब भी भाई गुलाटी मारेंगे और 1 रन एक्स्ट्रा देंगे भाई अपोनेंट को, क्योंकि भाई इनकी ड्यूटी है ना भाई, रन नहीं देंगे तो फिर प्रेशर कैसे आएगा। चलो एक गेंद और बची है, एक गेंद और बची है, मुझे भाई यहाँ पे विकेट मिलेगा, बिल्कुल विकेट मिल जाएगा। चल भाई आसानी से पकड़ इसको, हाँ मुझे लगता है ना भाई कि मेरे फील्डर भाई अब RC24 के हर एक ID से बुरे प्लेयर मेरे ही ID में है, फील्डिंग के मुकाबले भाई फील्डिंग में इतने तगड़े खतरनाक। एक अपोनेंट ने भाई पार्ट टाइमर का इस्तेमाल किया था तो भाई मेरा भी फर्ज बनता था कि एक पार्ट टाइमर का इस्तेमाल करो, तो भाई एकदम बराबरी का गेम प्ले हमने करी थी, पूरे बराबरी का, ठीक है।
स्ट्रेट बॉल भाई कहीं ना कहीं अपोनेंट को हमने ज़्यादा ही मौका दिया था स्ट्रेट बॉल के साथ शुरुआत, क्योंकि वही है इसके पास एक डंडा, अपोनेंट ने खेला 311 कनेक्शन अच्छा तो छक्का मिल गया भाई साहब। प्रेशर अब तो बन चुका था क्योंकि 18 रन बनाने थे बस इसको, और भाई साहब 5 गेंदें इसके पास थी। चलो गाइस यहाँ पे बढ़िया हिट करी है, लेकिन मिलेंगे कितने रन? सिंगल मिलेगा, सिंगल मिलेगा, यहाँ पे 7 रन बन चुका है। चलो गाइस देखते हैं यहाँ पे इस बार करेंगे हम थोड़े से भाई क्योंकि एक ही वेरिएशन है भाई, तो स्पीड ही हम चेंज कर सकते हैं। इसके पास बस एक डंडा है, ठीक है, स्ट्रेट मतलब कि डंडा। यहाँ फिर से वही शॉट खेलने की कोशिश, इस बार टाइमिंग नहीं हुई और 2 ही रन मिलेगा। बिल्कुल 64 तक अपोनेंट तो पहुँच चुका है यहाँ पे, लेकिन इसको बनाने हैं 3 बॉल में 15 रन, ठीक है। चलो गाइस इस बार हम भी थोड़ा सा प्रेशर में, हल्की सी भाई, देखो हार जीत नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर था भाई कि इतना रन बनाने के बाद भी अगर अपोनेंट चेज़ कर लेगा ना तो थोड़ा सा मसला हो जाएगा, ठीक है। ये बढ़िया हिट करी थी, यहाँ पे हिट अच्छी थी इसकी, लेकिन फील्डर हमारे यहाँ पे क्या बात है भाई, उड़ते हुए फील्डिंग करके भी 3 रन नहीं रोक पाए भाई। तो भाई इस उड़ते हुए फील्डिंग के क्या ही बोला जाए। चलो गाइस अभी भी देखते हैं, 2 बॉलों में मारने इसको 2 छक्के, तब जाके मैच जीत सकता है। 2 बॉलों में 2 छक्के और 1 छक्का आ गया यहाँ पे। ये देखो भाई ये थ्रिलर बन गया पूरे के पूरे भाई। अब आखिरी बॉल पे चाहिए इसको 6 रन भाई साहब। इक्वेशन देखो, 6 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, 5 रन चाहिए मैच को ड्रॉ कराने के लिए। चलो भाई देखते हैं, पैरों पे रखी हमने थोड़ी सी धीमी गति की गेंद, अपोनेंट ओ बच गए भाई साहब, हम पूरे तरीके से बचते हुए यहाँ पे दिखे भाई हम, और इस मैच को काफ़ी थ्रिलर अंदाज में जीते हैं 4 रनों से। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और भाई बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि जब भी भाई स्पेशली रिव्यू की वीडियो आए ना शॉट ऑफ द वीक की, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और तगड़े तगड़े वीडियो तो आपको हर रोज देखने को मिलते ही रहेंगे। और गाइस बस एक ही रिक्वेस्ट है कि कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, रिक्वेस्ट ए है, ठीक है, सब्सक्राइब आपकी मर्जी है।